हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको ये जो क्रॉस पट्टी होती है, इसे हम क्रॉस पट्टी भी बोलते हैं। कोई पट्टी वाला ब्लाउज, जैसे एक कटोरी ब्लाउज नहीं होगा, फोर्टेक्स ब्लाउज होगा, तो उसको पट्टी वाला ब्लाउज भी बोलते हैं या योग पट्टी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ पर क्रॉस पट्टी जो है वो कितनी लेनी है और कैसे निकालनी है। अब देखिए, यहाँ पर पहले आपको जैसे हमेशा कोई अलग अलग तरीका होता है नापने का। ये देखिए 3.25 इंच हमारी तैयार आती है, 3.25 इंच हमारी तैयार आती है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस साइड में भी नापना है। तो यहाँ पे हमारी 2.5 इंच आती है। अब देखिए कमर का 1/4 कितना है, कमर का 1/4 आता है हमारा 8 इंच। अभी कमर का 1/4 8 इंच आता है, तो आपको इसकी कैसे लेना है वो भी कट करके बता देती हूँ। 8 इंच हमारा कमर का 1/4 आता है, इसमें आपको 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 9.5 इंच लेना है। तो 9.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 9.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे वो आई हमारा 3.25 इंच आया है, यहाँ पे हमारा हुक और आई के साइड का नाप कितना आया, 3.25 इंच आया। लेकिन हम क्या करेंगे, 4 इंच पे मार्किंग करेंगे। 4 इंच पे क्यों मार्किंग करते हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए 4 इंच पे हमने ये मार्किंग किया है, और यहाँ पे आपको 3 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3 इंच पे मार्किंग करने के बाद यहाँ आपको 3 इंच पे भी मार्किंग करके मैं बता देती हूँ कि कैसे निकालना है और कैसे ये इसका शेप देना पड़ता है। यहाँ पे मैं आपको सीधी एक लाइन लगा के भी बता देती हूँ, और उसका शेप कैसे देना है वो भी मैं आपको बताऊँगी। ये देखिए, यहाँ पे हमने एक सीधी लाइन लगाई है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 या 3.5 इंच पे एक मार्किंग करनी है। 3.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। 3.5 इंच पे मार्किंग करने के बाद ये यहाँ पे ऊपर के साइड में हमने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। ये देखिए 4 इंच हमें लेना है, तो 1 इंच हमारा यहाँ पर आता है। तो इसे आपको इस तरह से इसे इसमें आपको मिलाना है, ये देखिए, और यहाँ आपको सीधा लेना है, यानी कि ये क्रॉस पट्टी का हमारा शेप बन जाता है। किसी किसी को जो बेसिक वीडियो जो बेसिक सीख रहे हैं उनको समझ में नहीं आता, कोई कोई क्या करते हैं बहुत नीचे के साइड से जैसे ऐसा लेके यहाँ पे ये शेप देते हैं। ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको ये लेना है और इसमें आपको ज्वाइन करना है। जब हम क्रॉस पट्टी कट करते हैं तो यहाँ पर भी आपको सीधा रखना है और यहाँ पर भी आपको सीधा लेना है। उसके बाद यहाँ हम जैसे 4 इंच लिया, हमारा कितना आया, 3.25 इंच यहाँ पे तैयार आता है। ये देखिए 3.25 इंच हमारा तैयार आता है। जब हमारा 3.25 इंच तैयार आता है तो यहाँ पे आपका सिलाई में चला जाता है, 1/4 इंच हमारा सिलाई में इस साइड में चला जाता है और 1/4 इंच हमारा सिलाई में इस तरह से चला जाता है। तो यहाँ पे आपको देखिए 3.5 इंच हमारी तैयार हो जाती है। जब हमारी 3.5 इंच यानी कि 1/4 इंच हमारी ज़्यादा एक्स्ट्रा पट्टी है, तो जब हम क्रॉस पट्टी को लेते हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक साइड पहले आपको तैयार करनी है। बैक साइड आप तैयार करेंगे, ये देखिए बैक साइड जब हम तैयार करते हैं, यहाँ पे हम टक्स पॉइंट लेते हैं, तैयार करते हैं, और फ्रंट साइड जो हम तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो सिलाई लगाते हैं वो सिलाई पहले आपको नहीं लगानी है। इसका आपको क्या करना है, जब इस साइड में एक क्रॉस पट्टी लगाते हैं और इस साइड में एक क्रॉस पट्टी लगाते हैं, दोनों साइड में क्रॉस पट्टी लगाने के बाद यहाँ पर आपको चेक करना है बैक साइड और फ्रंट साइड, यहाँ पे भी आपको सेम रखना है और यहाँ पे भी आपको सेम रखना है, आपको चेक करना है। तो ये आगे फ्रंट साइड जो है वो आगे के साइड में आ जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने सिलाई नहीं लगाई, तो यहाँ पे आपकी 1/4 इंच आगे के साइड में बढ़ जाती है। तो जितना एक्स्ट्रा है वहाँ पर फ्रंट साइड और बैक साइड सेम में एक मार्किंग करनी है, वहाँ से आपको सिलाई लगानी है। जो 1/4 इंच एक्स्ट्रा आता है वो अंदर के साइड में सिलाई में दब जाता है, लेकिन ऐसा है जैसे कम नहीं पड़ता और बैक और फ्रंट साइड जो है वो एकदम परफेक्ट आती है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है, जैसे फ्रंट साइड बढ़ जाती है और बैक साइड बढ़ जाती है और फ्रंट साइड कम आती है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई चला जाता है, यहाँ पे ये क्रॉस पट्टी हम कम लेंगे तो ये दोनों साइड में सिलाई में चला जाता है और हमारी जो क्रॉस पट्टी है वो कम आती है। तो इससे क्या हो जाता है, बैक साइड नीचे के साइड में आ जाती है और फ्रंट साइड ऊपर के साइड में चली जाती है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए ये क्रॉस पट्टी जो है, एकदम परफेक्ट आनी चाहिए, ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हम लंबा बढ़ाते हैं तो आगे के साइड में हमें क्रॉस पट्टी भी बढ़ानी पड़ती है। तो ये पहनने के बाद, ब्लाउज पहनने के बाद इस तरह से आगे के साइड का ब्लाउज जो है, क्रॉस पट्टी जो है, इस तरीके
तरीके से फोल्ड हो जाती है। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको, क्या करना है एकदम परफेक्ट और यहाँ पे जितना नाप लेके ही आपको ये क्रॉस पट्टी जो है वो नापनी है, लेकिन हमेशा आपको 4 या 3 इंच की क्रॉस पट्टी जो है वो रखनी है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है और यहाँ पे आपकी इसकी कटिंग करनी है। तो मैं आपको कटिंग करके भी बता देती हूँ ये कैसे, जो मार्किंग हमने किया है बिल्कुल उसी के ऊपर आपको कटिंग करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमारी ये क्रॉस पट्टी आती है। यहाँ पे फिटिंग में चली जाती है 1.5 इंच हमारी एक्स्ट्रा जो लिया है, यहाँ पे हमारी यहाँ फिटिंग आती है तो ये अंदर के साइड में दब जाती है, और ये क्रॉस पट्टी जो है ये दोनों साइड में सिलाई में चली जाने के बाद ये हमारी परफेक्ट क्रॉस पट्टी निकलती है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको क्रॉस पट्टी के बारे में समझाया है। जो क्रॉस पट्टी सिलना नहीं आता है, जो कमेंट्स में बताया गया कि क्रॉस पट्टी को ज्वाइंट कैसे करें, तो बहुत सिंपल तरीका है, दोनों साइड में इस तरह से क्रॉस पट्टी, जैसे कटोरी का पार्ट और ये पार्ट दोनों आपके ज्वाइंट होने के बाद आपको क्या करना है, इसके ऊपर सीधे साइड में भी इस तरह से रखना है और उल्टे साइड में भी एक इस तरह से रखनी है, दोनों साइड में, एक इस साइड में रखनी है और एक इस साइड में रखनी है। सिलने के बाद ये दोनों साइड इस तरह से आती है और यहाँ पे आपको फोल्ड करके ये कपड़ा जो है वो अंदर के साइड में चला जाता है और फोल्ड करके नीचे के साइड में आपको सिलाई लगानी पड़ती है। तो बहुत सिंपल तरीका है क्रॉस पट्टी ज्वाइन करने का भी। वैसे आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा तो मैं फिर से आपको कपड़े के ऊपर कटिंग करके ब्लाउज़ में कैसे ज्वाइन करनी है ये भी मैं आपको सिखाऊंगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।